नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल मिश्रा परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो 14 मई के दैनिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित है और ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी आपको पीडीएफ है हमारे करंट अफेयर्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आपको वहाँ पे कम से कम 100 प्रश्नों का डेली का क्विज करवाया जाता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए। जो पहला न्यूज़ है उसे देखते हैं। पहला न्यूज़ कह रहा है कि ये है अटल पेंशन योजना और ये सामाजिक से संबंधित है। कह रहे 9 मई को लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना ने अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहे 9 मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन 2,23,54,028 था। कह रहा है इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके पहले स्वावलंबन योजना चलाई जाती थी, परंतु 2015 में इसे अटल पेंशन योजना में बदल दिया गया। इसके कुछ और बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो यह कह रहा है कि यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत संचालित पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और यह कह रहा है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना की सदस्यता ली जा सकती है। ये कह रहा है इनरोलमेंट होने पर यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 से 5,000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। ये कह रहा है इसके अलावा जब पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवन साथी जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देता है। ये कह रहा है कि ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति राशि का दावा कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कोविड कवच। ये कह रहा है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए देश के वैज्ञानिक ने महज 8 महीने में ही एलिसा किट बना दी है। इसके प्रमुख बिंदु के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है इस किट का इस्तेमाल एंटीबॉडी जांच में किया जा सकता है और करीब 2.5 घंटे में इससे 90 सैंपल की जांच की जा सकती है। ये कह रहा है इस किट का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण के लिए दवा कंपनी जाइडस से करार किया गया है। दोस्तों, ये कह रहा है कि इस जांच में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और इस किट के जरिए जिला स्तर पर बड़ी आसानी के साथ संक्रमण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये कह रहा है कोरोना वायरस के सर्विलांस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ये कह रहा है इस किट की मदद से कोरोना वायरस के संक्रमण की घनी आबादी में वास्तविक स्थिति पता लगाने में आसानी से होगी। इससे पहले कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यह जांच ज़्यादा समय लेता है। गौरतलब है कि चीन से आई हुई रैपिड एंटीबॉडी जांच किट और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल तो देखते हैं दोस्तों। कह रहा है स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर, ये भी विज्ञान से संबंधित है। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला NAL ने कहा है कि उसने मात्र 36 दिनों में COVID-19 के मरीजों के उपचार के लिए एक विशेष BIPA वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम स्वास्थ्य वायु रखा गया है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि इसका उपकरण सस्ता और संगठित है। इसके उपकरण में लगे ज़्यादातर सामान भी स्वदेशी हैं और यह कह रहा है कि वर्तमान परीक्षा में यह वेंटिलेटर अस्पतालों के वार्ड, डिस्पेंसरी और घरों में भी COVID-19 के मरीजों का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये कह रहा है यह गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। इसमें अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर HEPA तथा 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड एवं कपलर का उपयोग किया गया है। कह रहा है इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है चीन और माउंट एवरेस्ट। चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN की आधिकारिक वेबसाइट ने दुनिया के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को अपना बता दिया। ये कह रहा है कि चीन में माउंट क्वालोमेंगा
के नाम से जाना जाता है, और कह रहा है कि चीन और नेपाल के 1960 के सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके मुताबिक माउंट एवरेस्ट का दक्षिणी हिस्सा नेपाल के पास रहेगा, जबकि उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास होगा, हालांकि अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है। कह रहा चाइना मोबाइल और हुआवे कंपनी ने माउंट एवरेस्ट पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट बेस स्टेशन निर्माण किया है। कह रहा चीन का दावा, चीन का इरादा यह भी हो सकता है कि वह भारत, नेपाल, भूटान आदि पर नज़र रखना चाहता है और जासूसी करना चाहता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट, जो कि सामाजिक से संबंधित है और ये 2020 को लेकर है। कह रहा है WHO नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया है। प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष में के रूप में चिन्हित किया है। ये कह रहा है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रति 10,000 लोगों पर 83.4 नर्स हैं और अफ्रीका में केवल 8.7 नर्स हैं हर 10,000 लोगों पर। कह रहा भारत में 1.56 मिलियन नर्स हैं, पर इन नर्सों में पेशेवर नर्स 67% हैं। भारत के चिकित्सा कर्मियों में 47% नर्सें शामिल हैं। कह रहा है कि भारत के चिकित्सा कर्मचारियों में डॉक्टर की संख्या 23.3%, दंत चिकित्सकों की संख्या 5.5 पर फार्मासिस्ट की संख्या 24.1% है। कह रहा है स्वास्थ्य संकट के दौरान नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा क्षेत्र में नर्स के महत्व को रेखांकित करने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। पहला है दोस्तों, ये कह रहा है कोरोना युद्ध में भारत एवं अन्य महत्वपूर्ण देशों की भूमिका, और ये अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। इसके प्रस्तावना पर नज़र डालें तो कह रहे कि भारत ने हाल ही में ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो लगभग एक घरेलू उत्पाद GDP का 10% है। कोरोना वायरस का कोहराम तो पूरे दुनिया में एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न किया है, जो पूरे मानव जाति के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कह रहा है कि विश्व के लगभग हर देश में कोरोना वायरस फैल चुका है और कोरोना वायरस का संक्रमण 42 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से करीब 3 लाख लोग मर भी चुके हैं। कुछ अन्य पहलुओं पर अगर ध्यान दें तो अन्य देशों के महत्वपूर्ण कदम को देखें, जैसे भारत ने 20 लाख करोड़ का किया है, तो क्या कि चीन के वुहान शहर हुबे प्रांत से निकलने वाले इस वायरस को रोकने के लिए चीन ने वुहान शहर में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया था। परंतु शुरुआत में चीन की भूमिका और WHO के साथ चीन के संबंध पर कई प्रश्न उठाए गए हैं। कह रहा है भारत ने कोरोना वायरस नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसका लाभ भारत को मिला है। हालांकि जब लॉकडाउन में छूट दिए जा रहे हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी तेज़ी से फैल रहा है, तो लॉकडाउन 4.0 जो 18 मई से लागू होगा, में कई प्रकार के छूट दिए जाएंगे, जो मजदूरों और गरीबों के हित में होगा। ये कह रहा है कि यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस बड़े स्तर पर फैला है और इटली, जर्मनी, UK, फ्रांस जैसे विकसित और शक्तिशाली देशों में भी स्थिति गंभीर है। ये कह रहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और यह 13 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। शुरुआत में सरकार ने बड़े कदम नहीं उठाए और इसलिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है, विशेषकर न्यूयॉर्क राज्य में। ये कह रहा है कि एशिया में साउथ कोरिया और जापान कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में तुलनात्मक रूप से सफल रहे हैं। यहाँ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सोशल डिस्टेंस पर विशेष बल दिया गया है। यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कह रहा है अन्य देशों ने GDP के लगभग 10% आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है, जो अर्थव्यवस्था को संकट से उभरने में मदद करेगा और मंदी के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। इसके चुनौतियों के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि WHO की भूमिका पर USA और अन्य देशों ने सवाल उठाए हैं, और USA WHO को फंड देना भी बंद कर दिया है।
कोरोना वायरस को लेकर यूएसए और चीन में तनाव बढ़ गया है और अरब प्रत्यारोप अक्सर देखने को मिलती है, जो दुनिया की एकजुटता और एकता के लिए बड़ी चुनौती है। कह रहा है कि भारत में मजदूरों के पलायन के बाद गांवों में कोरोना वायरस कर्मठ तेज़ी से बढ़ सकता है और भारत के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। कह रहा है वैक्सीन की खोज में काफ़ी वक्त लग सकता है और तब तक करोड़ों लोग दुनिया में बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। अगर निष्कर्ष के ऊपर पहुँचें तो कह रहा है कि भारत को कोरोना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय रहना होगा और दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर इसको हराना होगा। यह आपदा भारत और दुनिया को एक अवसर के रूप में बदलना होगा और इसके लिए लगातार संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ घटनाएं जो कि कोरोना वायरस को लेकर ही है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में देखते हैं, जो है पहला अर्थव्यवस्था से। कह रहा है एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह एमएसएमई के लिए आईसीटी उपकरण बनाने में सहायता करेगा। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट, टेलीफोन, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स आदि शामिल हैं। विविध पर ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। इसमें प्रवासी नागरिकों को डेटा संग्रह होगा, उन्हें सरकारी योजना का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला है, किसी देश की युद्धशक्तियाँ मुख्यधार उसकी आर्थिक सुदृढ़ता होती है। कोरोना के जंग ने विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। क्या भारत के लिए यह चुनौती भविष्य में सुनहरा अवसर सिद्ध होगा? आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए ठोस प्रयासों की विवेचना करें। प्रश्न दो, कह रहे कोरोना के जांच प्रणाली का वर्णन करते हुए यह बताएं कि कौन से प्रणाली विश्वसनीय है एवं सस्ती है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की समीक्षा करें। आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चीन की विस्तारवादी नीति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करें कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है। अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दैनिक समसामयिक घटना से संबंधित वीडियो। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीपीएससी 66 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन में प्रशिक्षण आईएएस लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा है, जहाँ पर आप लाइव एक्सेस ले सकते हैं। उस लाइव क्लासेस में आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको साथ ही साथ उसमें आपको हमेशा के लिए जो वीडियो एक्सेस है उस लेसन का, उस चैप्टर का, उस क्लास का आपके पास हमेशा रहेगा। सेकेंड चीज़, आपको उसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट में सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के हमारे अगले दैनिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।